दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि अब जो है वो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है कल से, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आ लिया हैं। पहले मैच का जो है वो हम लोग देखेंगे किस तरह से रिव्यू रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो जो पहला मैच होने वाला है वो जो है अभी आप देखोगे तो सुपर फोर के लिए जो है, सुपर ट्वेल्व के लिए क्वालिफायर मैच जो है होगा, जिसमें जो है बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट करेगी, और यहाँ से जो है चार टीम जो है वो निकल के सुपर फॉर्म सुपर ट्वेल्व जो होगा उसमें फॉर्म करेगी। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से जो है वो देखो कौन कौन सी टीमें होंगी। इसको जो है मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उस पर जो है मैंने बता दिया है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो पहला मैच है वो आपको जो है श्रीलंका और नामीबिया के बीच जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं दोनों टीमों में क्या क्या जो है वो डिफरेंस हो सकता है, क्या क्या जो है आपको देखने को मिलेगा, कि कौन जो है वो कैसे खेल के आ रहा है और क्या क्या जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से पिछले साल का जी देखोगे वर्ल्ड कप, तो वहाँ भी जो है नामीबिया भी जो है वो क्या क्लियर जो है क्वालिफाई कर चुका था, श्रीलंका भी जो है वहाँ पर क्वालिफाई जो है वो था। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपको देखने मिलेगा कि अगर इस ग्रुप में हम लोग बात करते हैं तो इस ग्रुप में जो आप देखोगे तो श्रीलंका के चांसेस तो हैं ही, इसके अलावा जो है आपको नामीबिया भी जो है वो हो सकता है कि आपको जो है वो क्वालिफाई करके आगे देखने को मिले। तो अब बात करते हैं किस तरह से जो है मैसेज हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान जो है आपको विनर सेशन एंट्री का जो है एक बढ़िया सा प्रॉफिट दिया जाए, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आपको यहाँ पर जुड़ जाना है। साथ में कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ से डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है वो जो आप शुरू कर सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो होगा फर्स्ट मैच होगा वर्ल्ड कप का, टोटल 45 मैचेज है, तो बहुत सारे मैचेज है, बहुत सारे जो है आपको देखने मिलेगा। अब देखो वर्ल्ड कप में बहुत सारे ऐसे मैचेज होंगे जो बिल्कुल फ्लैट मैचेज होंगे, लेकिन सेशन में जो है बढ़िया सा प्रॉफिट उठा सकते हो, जो कि हम लोग पूरा जो है करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो मैच होगा संडे से स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर को, अगले संडे को आपको इंडिया का मैच देखने मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं आप देखोगे कि ये जो है आपको 9:30 पर जो है इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से होगा, तो इसी का जो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है सुबह ही जो है वो इस काम को करना होगा, और ये आपको देखने मिलेगा सीमंस स्टेडियम जिलोंग में जो है होगा। अब अगर हम सीमंस स्टेडियम जिलोंग की बात करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो सीमंस स्टेडियम जिलोंग है ये जो है आपको एक तरह से बैटिंग पिच जो है वो देखने को मिलता है, और ये जो बैटिंग पिच है यहाँ पे जो है अगर बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉल जो है वो थोड़ा सा शुरुआत के टाइम पे जो है थोड़ा सा इफेक्टिव जरूर होता है, स्पिनर जो है यहाँ पे इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे देखा गया है कि अभी तक जो मैचेज हुए हैं उनमें जो है यहाँ पे बैटिंग काफ़ी अच्छा होते हुए नज़र आता है। और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे जो ग्राउंडर्स होंगे आप देखोगे तो शुरुआत में जो है बैटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बैटिंग करना जो है वो थोड़ा सा आसान होता जाता है। और इसके अलावा सेकेंड इनिंग में भी जो है यही खींचा रहता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट इनिंग है उसके हिसाब से थोड़ा सा जो है आप देखोगे तो एक बैटिंग करना जो है थोड़ा सा और ज़्यादा आसान होते हुए नज़र आता है। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 7 डोमेस्टिक मैच में से यहाँ पे 4 चेस हुआ है, 3 जो है वो आप देखोगे तो डिफेंड हुआ है, और जो लास्ट एक इंटरनेशनल मैचेज हुआ है उनमें आप देखोगे तो 173 रन जो है बना था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। और इसके अलावा जो है अभी रिसेंट के जो मैसेज है वो कुछ इस ग्राउंड पे अभी हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपको टोटल 7 मैचेज है वो देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो है मेनली 20 डिग्री से लेके आप 25-26 डिग्री तक जो है टेम्परेचर अभी देख सकते हो पूरे ऑस्ट्रेलिया की हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में जो मेनली शहर है वो तो सब कोस्ट लाइन के आसपास ही है, और यहाँ पे अगर बारिश के चांसेस बढ़ते हैं तो 10 से 12-15% के आसपास बारिश का चांसेस है। तो अभी जो है वो टाइम है, पर ये नहीं कह सकते कि कब जो है बारिश होगा कब नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टॉस के तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे जो है श्रीलंका टॉस जीते और टॉस जीते पहले बॉलिंग करने की जो है कोशिश करेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर टीम न्यूज़ की, तो आप देखोगे श्रीलंका की तरफ से जो है धनुष अनका लीड करेंगे, 15 मेंबर स्क्वाड जो है श्रीलंका का अवेलेबल है रिजर्व प्लेयर को छोड़ के। इसके अलावा नामीबिया की बात करते हैं यहाँ पे तो टोटल जो है वो आप देखोगे 16 मेंबर का स्क्वाड जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे अभी, और गैरल एरमस जो है ये टीम को लीड करेंगे। देखते हैं कि किस तरह से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इनके मैसेज, क्या क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं। इसके अलावा बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है अगर हम श्रीलंका के प्लेइंग लाइन की बात करते हैं तो इसमें जब आपको किस किस प्लेयर को जो है वो ध्यान में रख के चलना है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो अभी का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है इनका एशिया कप में देखने को मिला, जहाँ पे जो है रिसेंट के जो इनका मैचेस थे लास्ट के एशिया कप इन्होंने जीता भी, और उसके अलावा जो रिसेंट मैचेज थे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इन्होंने खेला था। इसके अलावा बात करते हैं आपको देखने मिलेगा कि प्रथम सिन्हा का, इसके अलावा जो है धनुष सना का, धनुष गुंदिल का, इसके अलावा जो आप देखोगे तो मांगलू हसरंगा, चरिज असलंका और धनंजय सिल्वा ये दोनों फॉर्म में हैं, कुशल मेंडिस, बनुकर आसपास है, इस सारे जो है वो श्रीलंका की तरफ से आपको जो है फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इनका फॉर्म अभी चल रहा है, और इसके अलावा बॉलिंग में भी जो है आपको महेश सिक्सना और मांगलू हसरंगा का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड पर जो है इनको और ज़्यादा बढ़िया जो है आपको देखने को मिलेगा।
इसके अलावा बॉलिंग में और बात करते हैं तो आप देखोगे धनुष, दशमंता, चमीला जो है इनको थोड़ा सा जो है वो फास्ट बॉलिंग तो बढ़िया सा फेंक तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है इनका बॉल जब फास्ट होता है तो रन भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं, तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा लोहरू कुमारा का जो है वो भी परफॉर्मेंस अभी उस मैच में तो एशिया कप में जो है ठीक था, लेकिन उतना ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं था, इम्पैक्टफुल नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो है अगर देखोगे तो श्रीलंका में जिस तरह का प्रेशर अभी है, जो पेसर्स बॉलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल डाल सकते हैं बाकी टीमों पर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं नामीबिया की, देखा जाए तो नामीबिया में जो अभी रिसेंट क्वालिफायर जो मैचेज खेले हैं उनमें आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है डेविड बीसी, जे जे स्मिथ का फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा था। इसके अलावा जो है आप देखोगे तो जो इनके कैप्टन हैं गैरल डेनमोस, इनका भी फॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला भी है। और इसके अलावा बात करते हैं तो आपको जो है जो बॉलिंग में देखोगे आप जो बेन सिकोन जो या फिर जो जेन ग्रीन है इनका परफॉर्मेंस अच्छा चला है, तो आप इनको जो है पी के चल सकते हो, इनके हिसाब से एक अच्छा सा जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको अभी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा था दोनों टीमों का, तब देखोगे श्रीलंका जो है रिसेंट 5 के 5 में से जो है वो जीत के आ रहा है एशिया कप में से। और यही अगर हम नामीबिया की बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें से जो है वो लास्ट के 5 मैचों में से जो है ये 2 हारे हैं और 3 जो है वो जीत के आ रहे हैं, हालांकि इन्होंने मैचेस जो खेला है वो जिम्बाब्वे, आयरलैंड जैसी वैसी जो टीमों को जो है खेला है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे हेड टू हेड का, तो लास्ट वर्ल्ड कप में जो है इनके साथ एक मैच जो है श्रीलंका खेला था और वो जो है जीता था। और डिमिनियन टीम पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े होते हैं जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो। और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है, चाहे वो विनर हो सेशन एंट्री, आप वहाँ से जो है यहाँ से उठा सकते हो। चलो एक बार देख लेते हैं डिमिनियन टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ड्रीम इलेवन टीम का, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले अगर हम लोग विकेट कीपर डिपार्टमेंट में देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे जो अभी जो है वो आप देखोगे कुशल मेंडिस और आप जो है चंडीमल को अगर रहते हैं टीम में तो पिक कर सकते हो कि फॉर्म जो है वो दोनों का भी अच्छा है। बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग में जो है भनुका राजपक्षा, जे जे स्मिथ, इसके अलावा जो है आप गुणतिलका की या फिर जो है अश्चरित श्रीलंका को यहाँ पिक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो हम लोग ऑलराउंडर देखते हैं तो ऑलराउंडर में आप देखेंगे यहाँ पर डेविड विसी, वांगडू हजारंगा, इसके अलावा जो है आप देखोगे यहाँ पे जो जे फ्रेंकलिन है इनका भी फॉर्म जो है वो अच्छा है। और इसके अलावा जो है आप सनाका को जो है वो पिक कर सकते हो या फिर इसके अलावा जो है किसी और को भी पिक कर सकते हो, लेकिन सनाका को आप पिक करोगे तो आपको एक चीज़ जो है वो देखने को मिलेगा कि सनाका में जो है वो आप देखोगे कि इनका बॉलिंग भी इम्पैक्टफुल हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में और बैटिंग भी जो है इम्पैक्टफुल हो जाता है। इसके अलावा हम बॉलिंग की बात करते हैं दशमिता चमीरा को जो है आप चाहो तो पिक कर सकते हो या फिर अभी के लिए छूट सकते हो। इसके अलावा जो है मिथिल सक्का जो है थिकसाना को पिक करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं लोहरू कुमारा का भी जो है उस सेम सीनरी है, तो आप चाहो तो पिक कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग नामीबिया की तरफ से बात करते हैं तो आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है आप एक जो है आप जो स्कॉल चाहे इनको पिक कर करके चल सकते हो। इसके अलावा जो हम लोग चमीरा को जो है एक पिक कर लेंगे या फिर लोहरू कुमारा को, इनमें से आप किसी को जो है पिक करके चल सकते हो। तो इसके अलावा हम लोग बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग को जो है आप यहाँ पे या तो निशंका जो है निशंका जो है गुंतिलका है श्रीलंका है, तो निशंका का जो है फॉर्म जो देखने को मिला था एक तो ओपनिंग करते हैं बहुत बढ़िया से जो है यहाँ पर फॉर्म देखने को मिला, तो आप जो है वो लेके चल सकते हो क्योंकि इनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बात करते हैं हमें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन के तौर पे जो है आप यहाँ पे अगर आप बनाना के चलना चाहो तो आप जो है यहाँ पे वांगडू हसरंगा को जो है बहुत सारे लोग चाहेंगे, क्योंकि वांगडू हसरंगा का रिसेंटली अगर देखा जाए तो उनका बैटिंग भी जो है वो अच्छा हो गया है, बॉलिंग भी तो वो जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप ये जो है पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं वाइस कैप्टन के तौर पर, तो वाइस कैप्टन के तौर पर जो है आप यहाँ पे निशंका को ले सकते हो, राजपक्षा को ले सकते हो, और जिस तरह का परफॉर्मेंस जो इनका एशिया कप में देखने को मिला था उस लिहाज से आप यहाँ पे जो है राजपक्षा को जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप उनको जो है पिक करके चल सकते हो। यहाँ से देख लेते हैं अगर कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में जो है वो हमने देख लिया है, टीम प्रीव्यू देख लेते हैं, तो आप टीम प्रीव्यू में देख सकते हो कि ये जो है अभी का टीम है। और इसके अलावा जो है आपको और भी टीमें जो है वो व्हाट्सएप पर मिल जाएगा और आप जो है जुड़ सकते हो व्हाट्सएप से, और साथ में इस टीम के साथ जो है आप कोई भी जो लीग है वो खेल सकते हो, आपको एक अच्छा सा जो है प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।